देशेर मानुषेर गणतांत्रिक अधिकार के रक्षा करते एदेशेर मानुषेर कथा बलार अधिकार के जाति करे मोदी एदेशेर विरोधी दलगुली तार राजनैतिक कार्यक्रम करते पारबे ना एदेशेर भारतीय जातीय देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि 48 घंटे से ऊपर हो गए जब 100 से ऊपर लोगों को दफनाया जा रहा है मणिपुर में 48 घंटे से ऊपर हो गया है जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 48 घंटे से ऊपर होने वाला है जबकि साक्षी ने अपनी करियर को दाव पे लगा दिया और उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और 48 घंटे से ऊपर होने वाला है जबकि हमारे 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो मर्डर हो रही है दिन ब दिन, यहाँ में विपक्ष का जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है और उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे जितने भी सहभागी जितने भी हमारे पार्टीज़ हैं सब लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर आज जंतर मंतर में भी 11 बजे आज प्रदर्शन हुआ है और हर एक प्रदेश में आज इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि हमें लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजा जाता है पार्लियामेंट में। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्लियामेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी हो और विपक्ष के कोई भी एमपीज ना हो क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। मैम इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है जो आम मुद्दे जो आम मुद्दे है उसको डाइवर्ट करने के लिए मैंने आपको यही बात बोला कि 48 घंटे से ऊपर हो गया। आपने अगर देखा मास बरियन हो रहा है मणिपुर में 6 महीने बाद प्रियजनों को मिल रहा है अपने लोगों को दफनाने के लिए। हमारे जवान कश्मीर में मारे जा रहे हैं, किसी ने ये मुद्दा को उठाया? आप लोग सब मीडिया के भाई बहन हैं, आप लोगों ने ये मुद्दा को उठाया? मैं पूछना चाहती हूँ कब तक आम जनता के आवाज़ को दबाया जाएगा, कब तक विपक्ष के आवाज़ को दबाया जाएगा और कब तक ये तानाशाही चलेगी? और इस तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। 2024 में एक साथ एकजुट होकर हम लड़ेंगे। और जो सिक्योरिटी जो लैप्स हुआ है जी पार्लियामेंट में उसका जवाब ना देने के लिए इस तरह का एक बात बोलिए। सिक्योरिटी लैप्स की बात अगर करें उसके बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है। ब्रिजभूषण जैसे एक बलात्कारी सांसद को आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की कि साक्षी को अपना करियर दाव पे लगाना पड़ा। तो आप बताइए ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? सारा देश व्यापी इंडिया डाक दिए छे गणतंत्र बचाओ दिवस उद्यापन करते सारा देशेर 28 राजनैतिक दल एक संगे जोट बेधे संसदेर जे घटनावली 146 जन एई अवधि सांसद के बहिष्कार करा हुए छे महामित्र के दिए जे बहिष्कार पाला शुरू हुए छिलो एटा अविराम चलछे। এই ধরনের একটা অনৈতিক অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক কাজের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা প্রত্যেকটা রাজ্যে রাজ্যে সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা ইন্ডিয়া জোটের মাধ্যমে আজকে রাজ্যবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি তানাশাহী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের যে সরকার তাদের সংসদ এই সংসদে বিরোধীদের জনমতকে দাবিয়ে রাখা তাদের কথা বলতে তাদের সেখানে যে সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে একটা অনৈতিক অসাংবিধানিক আশ্রয় নিয়ে দেশের পার্লামেন্ট থেকে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ধরনের কলঙ্কিত ঘটনা ভারতবর্ষের সংসদীয় ইতিহাসে বিরল। 146 জন সাংসদকে সংসদ থেকে বের করে দিয়ে সংসদ বিরোধী শূন্য করার যে ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আজকে এই প্রতিবাদ মিছিল। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সারা দেশের সঙ্গে এই মিছিলে
आवाज़ तुलते चाहिए जे बिरोधी शून्य करे संसदे बिल पास करे अनैतिक भावे मानुषेर जनस्वार्थ बिरोधी जे समस्त बिल संसदे पास करे निये এই দেশের যে তানাশাহী স্বৈরাচারী সরকার পরিচালনা করার জন্য নরেন্দ্র মোদী এবং তার দল যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠছে দেশের মানুষকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছি দেশের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছতে চাইছি যে এই সরকার ক্ষমতাসীন থাকা মানেই গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস লোকতন্ত্রের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য দায়িত্ব এই দায়িত্ব কর্তব্য অবহেলা করে একটা সরকার পরিচালনা করার জন্য যারা চাইছেন তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আগামী দিন এই দেশের সংসদকে তারা তুলে দিতে চাইছে তারা চাইছে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি এটাকে মুছে দিতে বিরোধী দলগুলি আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে আমরা এই রাজ্য থেকে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে এই কর্মসূচির মাধ্যমে জানান দিতে চাইছি এই রাজ্যে আগামী দিন সমস্ত বিরোধী দল মিলে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আমরা যাচ্ছি এবং আগামী দিন এই রাজ্যে বর্তমান যে তানাশাহী শাসক দল তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ হচ্ছি।